गहलोत के खास पांच विधायकों ने बढ़ाई टेंशन। पांचों विधायकों की खामोशी खड़े कर रही सवाल। दिव्या को चुनाव की चिंता और गुढ़ा भी चिंतित। साल 2022 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पांच खास विधायकों ने सीएम को खूब टेंशन दिया। इन पांचों ने सरकार की नीतियों से ज्यादा सीएम गहलोत पर ही खूब हमला किया। इन विधायकों ने खुलकर बोला और सरकार से ज्यादा मुख्यमंत्री को घेरा, लेकिन अब ये सभी चुप नजर आ रहे हैं। क्या नए साल में कहीं पार्टी के बदले तेवर का यह तो असर नहीं है, या उन्हें अब अपने चुनाव की चिंता सता रही है? दरअसल पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये विधायक चुप हैं, हालांकि इनकी चुप्पी से भी खलबली मची है। आखिर ये पांचों चुप क्यों हैं? ये पांचों विधायक हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, बलजीत यादव और राजेंद्र यादव कभी गहलोत के बेहद खास हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2022 में नाराज हो गए और अब चुप हैं। चुनाव की चिंता। ऐसा माना जा रहा है कि बायतू से विधायक हरीश चौधरी अब एक मौके की तलाश में हैं। हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। विधायक दिव्या मदेरणा ने भी हर मौके पर सीएम गहलोत को घेरा और अब वे चुप्पी साध कर बैठ गई हैं। गुड़ा की बात करें तो उन्होंने नकल माफियाओं के बहाने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उधर राजेंद्र यादव भी अभी चुप हैं, लेकिन कोटपुतली को जिला बनाने की मांग उनकी अभी भी बरकरार है। इसके अलावा बलजीत यादव ने भी बहरोड को जिला बनाने का अल्टीमेटम दिया था। बहरहाल ये पांचों विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। इनकी चुप्पी भी सीएम गहलोत की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। संभावना है कि ये विधायक चुनाव नजदीक आने पर कोई सियासी बम ना फोड़ दें।